5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को पहुंचाने के बाद अब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है। 17 अगस्त का दिन चंद्रयान 3 के मिशन के लिए सबसे खास होने वाला है। अब चंद्रयान क्या करेगा ये बताएं इससे पहले ये तस्वीरें देखिए जो चंद्रयान से ली हुई चांद की पहली तस्वीरें हैं। हर तस्वीर में बाईं तरफ गोल्डन रंग का यंत्र चंद्रयान का सोलर पैनल है। सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे दिख रहे हैं। ये हर फोटो में बढ़ते जा रहे हैं। अब 9 अगस्त को दोपहर 2:45 के करीब इसके ऑर्बिट को बदलकर 4,000 से 5,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। हर तस्वीर में चंद्रमा बड़ा और गहरा होता जाएगा। 14 अगस्त को दोपहर इसे घटाकर 1,000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100x35 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद 23 की शाम को 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास किया जाएगा। क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है अगर ज्यादा गति रहती तो चंद्रयान इसे पार कर जाता। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया। इस गति की वजह से वो चंद्रमा की ऑर्बिट को पकड़ पाया। अब धीरे धीरे चांद की चारों तरफ उसके ऑर्बिट की दूरी को कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड कराया जाएगा।